रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 8, इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उतारूंगा क्वेश्चन। 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 5 × 5, क्यों? क्योंकि अगर आप 50 को तोड़ोगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करोगे, कहने का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, क्यों? क्योंकि 25 × 50 तो हो गया, इसको तोड़ के ये आ गया, तो फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, प्लस 8 को भी सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, चलिए, यानी कि मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, सिंपल रूप में मैं इसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहां पे इसको अच्छा से लिख देता हूं, ये 2 यहां पे छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है ना, तो 2 रहता है, 2 यहां पे क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है, आपको अगर ऐसे दे या ऐसे दे तो बात हो गया बराबर, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि यहां पे 2 रहता है, तो यानी कि ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, और स्क्वायर रूट वर्गमूल में जोड़ा लगता है, पेयर लगता है, तो 2 5 है तो 1 5 निकलेगा। मैंने कैसे पता किया, ये खाली था ना, तो मैंने सोचा ये खाली है तो यहाँ पे 2 होगा, और 2 होगा तो यानी कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ऐसे पता किया, ठीक है, 2 का जोड़ा नहीं है तो मैं इसे लिखूंगा सेम, ऐसा ही लिख दूंगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा रूट में निकलेगा, यानी कि इस टाइप करेगा ना आपका, 2 3 है, 1 3 हो गया, 5 2 का जोड़ा नहीं है तो गुना करूंगा 5 × 10 और उसे लिख दूंगा रूट में, इस टाइप का होता है, ठीक है। फिर प्लस ये आपको 2 2 देना नहीं है, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, ठीक है, आप 2 2 नहीं तो नहीं, तो मैंने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, क्वेश्चन मैंने दिया रहेगा ऐसा रहेगा, लेकिन आपको समझ आ रहा है यहाँ पे 2 है, अच्छा, इसलिए आप 2 या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 है तो 1 2 निकालेंगे पेयर, यानी कि जोड़ा, तो 2 × 2 का 1 2 निकलेगा, फिर इसका भी जोड़ा नहीं है, ये मैं यहाँ पे उतार दूंगा एज इट इज, सेम, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, यहाँ पे कोई दिक्कत। आप हमें एक बात बताओ, 6 से स्टार्ट है अलजेब्रा, तो जब 6 क्लास में पढ़ते होगे तो इस टाइप का पढ़ते होगे 2x और 3x, लाइक टर्म है, एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा, यानी कि तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे सेट करो, 5x और ये 2x, तो अब यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, एक जैसा है, ठीक है, यानी कि सजातीय लाइक टर्म टाइप का है, ठीक है, तो एक जैसा है तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 2 7, √2 √2 तो √2, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में कॉमन निकालोगे, कॉमन फैक्टर दैट मीन्स SCF निकालोगे, तो दोनों का अगर SCF निकालोगे कॉमन फैक्टर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 √2, अच्छा, इसे मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं, दोनों में कॉमन फैक्टर SCF, दोनों में क्या मिला, √2 √2, तो यहाँ पे मैं √2 दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि ये आ जाएगा, तो इसको न्यूमिनेटर यानी कि अंश में, इसको हर में, यानी कि हमें नहीं पता है, तो इसको मैं ऊपर दूंगा, इसको नीचे दूंगा, यहाँ पे गुना है, कट गया तो 5 हो गया, ये सुनो, प्लस तो प्लस, फिर इसे ऊपर न्यूमिनेटर में, यानी कि ये कुछ ऐसा है आपके पास, मान लीजिए 15 है, ठीक है, उसमें से आपको 5 दे दिया है और ये डिब्बा खाली है, आपको पता है तब ना, आपने 3 लिख दिया, 5 × 15, जिससे नहीं पता रहेगा 15 को क्या करेगा, ऊपर देगा, 5 को नीचे, काट करके 3 आया, अब डिवाइड भी कर सकते हो इसमें से, फिर भी क्या आएगा, 3 आएगा, यही कुछ ऐसा है यहाँ पे, सेम टू सेम, हमें नहीं पता है कि मैं यहाँ पे क्या दूंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा और इसको नीचे लिखूंगा, कट गया तो 2 हो गया, क्या कोई दिक्कत। अच्छा, आप जिसको थोड़ा पकड़ है मैथमेटिक्स पर, जूनियर का चीजों से बेस अच्छा है, तो वो उतना नहीं करेगा, डायरेक्ट दिमाग लगाएगा, √2 √2 तो √2 कोश दे देगा, इसको ऊपर मने में, इसको नीचे, 5 आ जाएगा, फिर ये √2 √2 कर जाएगा, 2 आ जाएगा, तो √2 दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, अब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो की बात को, 5 2 7 सजा दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे करो या तो डायरेक्ट 5 2 जो मैंने अभी बताया, 5 2 7 √2, दिक्कत। अच्छा, इसका एक तरीका और है, सिंपल में 50 है तो 50 को आप लिख सकते हो ना 25 × 2, ठीक है, 8 है तो 8 को लिख सकते हो 4 × 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो मैं इसको 2 जगह ऐसे
बार दूंगा कि एगो का स्क्वायर में हमको निकल जाए, तो मैंने इसीलिए दिमाग लगाया, 25 दुना 50 और 4 दुना 8, तो 25 का निकल जाएगा 5, हुआ ना। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 को 5 है 5, या पैसे भी इसका दिमाग लगा सकते हो, 25 का 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, कट गया कट गया, 5 तो बात हुआ बराबर, इसका तो नहीं निकलेगा तो ये ऐसा ही कर देंगे, ठीक है। फिर 4 का कितना निकल जाएगा 2, और 2 इसका नहीं निकलेगा तो √2। अब इसके आगे तो मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है।